हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने S7 Edge मोबाइल में लाइनेज OS 21 डालेंगे, जो कि Android 14 बेस्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फ़ोन जो है बहुत ही पुराने OS पे चल रहा है इस समय। ये भी कस्टम ही OS है, पर क्या है कि बहुत ही पुराना है। तो कस्टम OS को इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना होगा कि पहले आपको तो दो फाइल डाउनलोड करना होगा। एक हो जाएगी आपको लाइनेज OS की फाइल और एक हो जाएगी जी एप्स की फाइल। मैंने दोनों फाइल्स को पेन ड्राइव में रखा है, और अगर आप चाहें तो इंटरनल स्टोरेज में ही रख सकते हैं, पर पेन ड्राइव ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि इस रॉम को इंस्टॉल करें आपको फ़ोन को पूरी तरह से फॉर्मेट करना रहे तो आपके सारे डेटा गायब हो जाएंगे। तो चलिए फ़ोन को पहले ऑफ करते हैं। फ़ोन जब ऑफ हो जाए तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम बटन, टॉप अप वाली और होम बटन और पावर की तीनों एक साथ दबाना है, तो हमारा TWRP में आ जाएगा। जब आप रिकवरी मोड पे आ जाए, जैसे कि हमारा रिकवरी मोड पे आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाइप पे क्लिक करेंगे और एडवांस वाइप, और फिर जो जो मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो गया। अब क्या करना है कि आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पे देखिए सबसे पहले आपको TWRP फ्लैश करना है, क्योंकि हमारा TWRP पुराना वर्जन था तो इसलिए हमने TWRP फ्लैश कर लिया है। अब फिर से रिबूट करेंगे। रिबूट होने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड पे आ जाएगा। रिकवरी मोड पे जब फ़ोन आ जाए तो इंस्टॉल पे क्लिक करिए, और ये देखिए जो दो फाइल से पहले लाइनेज OS हम इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं यहाँ पे स्पीड अप कर दे रहा हूँ प्रोसेस को। तो ये देखिए हमारी रोम जो इंस्टॉल हो गई है। अब वाई पे एक बार क्लिक करके फिर से कैश इसका क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद बैक जाएंगे और अब क्या है कि जी एप्स को इंस्टॉल करेंगे। दोनों फाइल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा एक्जिनोस मॉडल पे ही सपोर्ट करेगा, स्नैपड्रैगन पे नहीं। तो चलिए अब जी एप्स इंस्टॉल हो रहा है, इसको भी स्पीड अप कर देते हैं तो जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल होने में आपका टाइम लेगा 5 से 10 मिनट। तो देखिए फाइनली हमारा इंस्टॉलेशन हो गया। फिर से आपको एक बार वाइप कैच करना है और उसके बाद आप रिबूट सिस्टम पे चले आना है। रिबूट सिस्टम पे जब जाएगा तो उसमें भी थोड़ा टाइम लेता है, मैं यहाँ पे स्पीड अप कर दे रहा हूँ वीडियो को। तो ये देखिए हमारा ये लाइनेज जो है इसका आइकन आ गया और हमारी वेलकम स्क्रीन आ गई। अब जल्दी जल्दी चलिए फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमारा फ़ोन सेटअप हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपको दिखा देते हैं इसमें अबाउट फ़ोन में जाके। ये देखिए हमारा Android 14 है, और क्या है कि ये फ़ोन में आपका OTA अपडेट्स भी सपोर्ट करेगा, तो अगर कोई नया अपडेट आता है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कैमरा भी आप देख लीजिए, बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है कैमरा भी, और फ़ोन बहुत अच्छी वर्क कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए, जिससे कि वो भी अपने पुराने S7 Edge को नए जैसा बना सकें। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।